फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिए कच्ची मूंगफली, इस तरह की मूंगफली होनी चाहिए, छिलके वाली। और ये डालते हैं हम इस बाउल में। और यहाँ पे लिया है मैंने पानी, और इसमें हमें इतना पानी करना है कि ये हमारी मूंगफली अच्छे से डूब जाएं। तो फ्रेंड्स, हमने इतना पानी कर दिया है, अब हम इन्हें 4 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली को 4 घंटे हो चुके हैं, हमें 4 घंटे ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम इन्हें अच्छे पानी से धोते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम एक बार और धोते हैं। तो ये देखिए, गंदगी निकल गई है। अब हम इन्हें रखते हैं साइड में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मिक्सी को लेते हैं, हमें मिक्सी की ज़रूरत है। मिक्सी उतार दें। देखिए, हमने इनको धो लिया है, और लिया है यहाँ पे, लिया है हमने मिक्सी का जार, और मूंगफली डालते हैं इसके अंदर। और अब हम इसमें 400 ml पानी डालेंगे इस बात का। इन्हें हम मिक्सी में पीसते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम खोल के देखते हैं। तो ये देखिए, हमने इसे पीस लिया है, अभी हमें ये और पीसना है। तो अब हम इसमें 300 ml पानी गिरेंगे, ये देखिए, और फिर इसे हम अच्छे से बारीक पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस जार को खोल के। तो ये देखिए, बिल्कुल दूध जैसा बन गया है। और तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस जार को खोल के। तो ये देखिए, बिल्कुल दूध जैसा बन गया है। और इसे निकालते हैं। हम रख देते हैं तखत के नीचे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, और यहाँ पे ली चल्ली, और यहाँ पे हम इस तरह का कपड़ा रखेंगे, और इस जार के पेस्ट को हम इसमें डालेंगे। हम 2 बार करके छाने हैं फ्रेंड्स, और इस कपड़े को पकड़ के हम इस तरह निचोड़ देंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट निकल जाए। तो देखिए, हमने इसे छान लिया है। तो फ्रेंड्स, अब इस बाउल को हम रखते हैं गैस पे, गैस करते हैं ऑन। ये देखिए, गैस हमने ऑन कर दिया, और इसे हम मीडियम गैस पे पकाएंगे धीरे धीरे, और एक उबाल इसी तरह देंगे। हमें ये लो मीडियम गैस पे ही पकाना है। देखिए, इसमें धीरे धीरे बबल उठने लग गए हैं, और जैसे बबल उठने लगे वैसे वैसे ही हम गैस की फ्लेम को बढ़ा देंगे, और इसी में हम इसी तरह एक उबाल देंगे। देखिए, इसमें धीरे धीरे मलाई पड़ने लग गई है, और इसी मीडियम गैस पे हम इसमें एक उबाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमारे दूध में उबाल आ चुका है, और गैस करते हैं बंद, और इसे ठंडा करते हैं। हमारे यहाँ पे ये दूध ठंडा हो चुका है, इसे हम छुपा रहे हैं। उंगली से लगाएंगे तो हमारी उंगली जलेगी नहीं, यानी कि हमारी उंगली सहन कर जाएगी। हमें कम से कम 8-7 ये डंठल चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 8-10 ये डंठल तोड़ लिए हैं मिर्च के, और अब हम इस दूध के ऊपर इस तरह रखेंगे, इस तरह से। हमें कम से कम 8-10 तो चाहिए ही। रख दिए हैं, और इसको ढक देते हैं। यहाँ पे है ये हमारे आटे का ड्रम, और ये बाउल रखेंगे हम इसके अंदर। इसे हम रात भर के लिए इसी में रख देते हैं, और ऊपर से ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आटे का ढक्कन खोलते हैं, ओवरनाइट हो गई है। और ये देखिए, कटोरा निकालते हैं, और यहाँ पे रखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमारी हम आपको दिखाते हैं कैसी दही जमी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया से बनी है, ये देख पा रहे होंगे आप बगैर जामुन के।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।